नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हा अंतिम इशारा समजावा त्यांनी की यापुढे तालुक्यातील कोणत्याही भूमिपुत्राला जर तुम्ही जर उद्ध्वस्त करण्याचा त्याची जमीन गिळंकृत करण्यासाठी जर यंत्रणेचा गैरवापर केलात तर तुमच्या विरुद्ध असाच ह्या आणि ह्यापेक्षा मोठा संघर्ष ही वसईकर जनता भूमिपुत्र केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी ह्या निमित्ताने इथे सांगू इच्छित। दोस्तों, आज वसई की तरखड ग्राम पंचायत के बाहर कुछ लोग आंदोलन पर बैठे थे, तरखड ग्रामवासी, और उनका आरोप है कि प्रशासन ने नियमों को ताक में रखकर कुछ ग्रामवासियों के घरों की घरपट्टी दूसरों के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। ऐसा आरोप लगाए ये लोग, आंदोलन कर रहे हैं, जो आप विजुअल में देख सकते हैं, हाथों पे पट्टी, काली पट्टी बांध कर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई पार्टियों का सपोर्ट इन्हें है और पार्टी वाले जो है वो इसको राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। तो जब इनके आरोप सुने, हमने भी वहां इनकी मुलाकात ली और हमने अपनी तरफ से भी जो कुछ कहा वो आप आगे वीडियो में सुनेंगे। लेकिन जब हमने इन ग्रामवासियों की बात सुनने के बाद प्रशासन की बात सुनी और प्रशासन के पास गए, तब हमने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर ग्राम सचिव मैडम और उप सरपंच मैडम से बातचीत की। तब उप सरपंच मैडम ने हमारे कैमरे के सामने इन ग्रामवासियों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये ग्राम जो घरपट्टी ट्रांसफर की गई है दूसरों के नाम पर, इसमें किसी तरह के नियम कानून कायदों को नहीं तोड़ा गया है, बल्कि ग्राम उप सरपंच मैडम ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया कि कोर्ट के आदेशानुसार हमने ये कार्यवाही की है और इसमें भी हमने जो पक्ष है उनको इंटीमेट किया था, उनको बताया था कि आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप सबमिट करो। उन्होंने किसी तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया और हमने ये घरपट्टी ट्रांसफर की। तो दोनों पक्षों के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है। आप आगे वीडियो में देखिए पूरा ये मामला क्या है, ग्रामवासियों का क्या आरोप है, क्या कुछ कहना है, सुनिए वो वीडियो में। और साथ ही साथ ग्राम की उप सरपंच मैडम जिन्होंने हमें अपना इंटरव्यू दिया, उनका क्या कहना है वो सुनिए आगे वीडियो में। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दोस्तों, इस समय हम है वसई के तरखड़ ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर। यहाँ तरखड़ ग्राम पंचायत पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने बिना घरों के खरीद और बेचान के ही घर पट्टी एक के नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दी, किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए बिना ही किसी दस्तावेज के, बिना ही एग्रीमेंट के घर पट्टी ट्रांसफर कर दी गई है। सामान्यतः सामान्य मामलों में ऐसा होता है कि जब किसी घर का खरीद और बेचान होता है और लीगली तौर पर कोई इंसान जाता है कि मेरा घर पट्टी ट्रांसफर करना है तो वहां ये ग्राम पंचायत उसको कई बार दौड़ाती है, लेकिन यहां घरों का खरीद बेचान ही नहीं हुआ, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, उसके बावजूद बिना घर जो घर में भी रह रहे हैं 100 साल से रह रहे हैं उनको किसी तरह का नोटिस नहीं देकर ग्राम पंचायत ने इस तरह का कार्यभार किया है। तो इसी के ग्राम पंचायत तरखड़ ग्राम पंचायत के विरोध में ये लोग आंदोलन पर बैठे हैं। हमने यहाँ इनसे मुलाकात की, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। मैडम बताइए, क्या प्रॉब्लम है, आप इतने लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे, क्या विषय है? एक्चुअली हम लोग के घर पट्टी ट्रांसफर कर दिए गए हैं विदाउट एनी ड्यू कंसेंट, और हम लोग की सुनवाई न लिए हम लोग की घर पट्टी ट्रांसफर की गई है। और दूसरे लोगों की घर पट्टी में बहुत ज्यादा 400% वाड़ के ले लिया है, 400% वाड़ के ले लिया है घरपट्टी मध्ये। आणि आमचा असा विषय आहे की आमची घरपट्टींचा काही संबंध नसताना, प्रोसेस काही नसताना, काही नोटीस न काढता आमची घरपट्टी ट्रान्सफर केलेली आहे त्या लोकांनी। मतलब आपका कहना है कि आप जिस घर में रहते हो उस घर में किसी तरह का व्यवहार नहीं हुआ, उसके बावजूद घरपट्टी ट्रांसफर हुई? हाँ, हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिली है, पहली नोटिस निकली उसके बाद भी हम लोग ने उनका रिप्लाई दिया, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हम लोग को और डायरेक्टली ट्रांसफर की नोटिस हम लोग के घर पे आती है।
नहीं, सामान्यतः कोई भी घरपट्टी ट्रांसफर जब होती है, जब वो घरपट्टी घर का खरीद या बेचान होता है, लेकिन आपके मामले में खरीद बेचान हुआ ही नहीं, नहीं, नहीं उसके बावजूद घरपट्टी ट्रांसफर हुआ, तो इसके पीछे क्या पूरा कट हो सकता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या विषय है? हम लोग को उतना बिल्डर, मोस्टली बिल्डर का ही संबंध है इस बारे में, और ये सब बिल्डर का ही कारोबार लग रहा है। आपने इसके लिए कहाँ कहाँ शिकायत की, किस तरह के आपने अपनी तरफ से प्रयास किए? हम लोग ने काय नाव चोड़ू? माझं नाव गणेश जगन्नाथ पाटील। काय विषय तुम्ही एवढे माणूस इकडे आंदोलनाला बसले आहे की घरपट्टी बद्दल विषय आहे की ट्रान्सफर विश्वासात न घेता लोकशाहीच्या हिशोबाने कुठलीही प्रोसेस करताना त्याची प्रोसेस केली जाते की एखाद्याची घरपट्टी करणं, त्यांना नोटीस काढून की आम्ही सुनावणीची तुम्हाला वेळ देतोय, त्या वेळेत तुम्ही हजर राहून जो तुम्हाला काय निर्णय द्यायचा आहे तो तुम्ही देऊ शकता। सामान्यतः असं बघितलं जातं की घरपट्टी जेव्हा ट्रान्सफर होते तेव्हा घर का खरीदा विक्री होते, तुमच्या केसमध्ये विक्री झालेलं का? नाही नाही, विक्री झाली नाही, परस्पर असं फर्स्ट नोटीस जेव्हा यांना काढली होती ती परस्पर बिल्डरच्या नावाने काढली होती, तो बिल्डर प्रसाद इरकर त्याचं नाव त्याच्यामध्ये नोंद केलं होतं। तुमच्या घर किती वर्षापर्यंत आहे? माझं त्यांचा विषय चिंतो मी ही आहे। यांच्या घर किती वर्षाच्या आहेत? 100 ते 150 वर्षापासून। तुमच्याकडे तो सर्व डॉक्युमेंट पण आहेत? सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत, 1994 अगोदरपासूनच्या घरपट्ट्या पण आहेत, 85 घरपट्टी आहे, 2000 पासूनच्या पण घरपट्ट्या, सगळ्या घरपट्ट्या आहेत, आताच या लोकांनी ट्रान्सफर केल्या। खानोलकर साहेब, क्या विषय आज आंदोलन यहाँ पर चालू आहे? आजचा जे आंदोलन इथे चालू आहे ना, त्याचा विषय आहे की प्रशासनाची मनमानी। इकडच्या ज्या ग्रामसेविका आहेत आणि सरपंच बाई आहेत, भले यांना लोकांनी निवडून दिलेलं असलं तरी त्या मनमानी आणि भ्रष्टपणे ह्या ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवत आहे। जवळजवळ 300 वर्षापासून जे आमचे वसईकर बंधू लोहाराचा व्यवसाय त्या गावामध्ये करत आहेत, त्यांचं इतकं जुनं असलेलं घर, वर्षानुवर्ष त्याला लागू असलेली घरपट्टी, ही कोणतीही लोकशाहीतील संधी त्यांना न देता, सुनावणीची संधी न देता तिसऱ्याच्या नावावर बदलून टाकली। ग्रामसेविकांना विचारलं, त्यांना सुनावणी काय हे माहीत नाही, त्यांना ह्या देशातील लोकशाही माहीत नाही। विकासकांना हाताशी धरून हे वसईतले जे लोकांची घरं आहेत ती उद्ध्वस्त करायची आणि वसईमध्ये टॉवरचं जंगल करायचं, हे एकमेव असा आज विषय वसईमध्ये चालू आहे। मी या आंदोलनाच्या माध्यमातून या महापालिकेचे आयुक्त अनिल पवार साहेब, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त आणि सर्व प्रशासकीय यंत्रणा, मग ती तहसीलदाराची असो, यापुढे जर या वसईतील भूमिपुत्रांच्या जमिनीच्या संदर्भात विकासकाला हाताशी धरून जर तुम्ही त्यांची घरं पाडणं, त्यांच्या घरांच्या घरपट्ट्या बदलणं, त्यांना अडचणीत आणण्याचे जर व्यवसाय किंवा उद्योग जर केले, तर यापुढे शिवसेना वसई, वसईचा भूमिपुत्र आणि वसईतील भूमिपुत्रासाठी लढणाऱ्या सगळ्या संघटना यापुढे तुम्हाला असाच जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, वसईकरांना उद्ध्वस्त होऊ आम्ही देणार नाही, यासाठी ही संघर्षाची ही पहिली पायरी आहे। संघर्षाचा आज हा पहिला दिवस आहे, हे या सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी द्यावं। काय चाललंय वसईमध्ये? पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन, महापालिका प्रशासन, सर्व प्रशासनं ही विकासकांनी, बिल्डर लोकांनी आणि दलालांनी हाताशी धरलेली आहेत आणि ग्रामस्थांना अडचणीत आणून त्यांना आत्महत्या करायला लागेपर्यंत त्यांच्यावर दबाव आणून त्या जमिनी हडपण्याचा आणि तिथे टॉवर उभारण्याचा एकमेव संकल्प हा वसईतल्या विकासकांनी आणि त्यांना हाताशी धरलेल्या प्रशासनाने केलेला आहे। यापुढे मी त्यांना सांगू इच्छितो आणि त्यांना हा अंतिम इशारा समजावा त्यांनी की यापुढे तालुक्यातील कोणत्याही भूमिपुत्राला जर तुम्ही जर उद्ध्वस्त करण्याचा, त्याची जमीन गिळंकृत करण्यासाठी जर यंत्रणेचा गैरवापर केलात, तर तुमच्या विरुद्ध असाच आणि यापेक्षा मोठा संघर्ष ही वसईकर जनता भूमिपुत्र केल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी ह्या निमित्ताने इथे सांगू इच्छितो। शिवसेना किस पे आगे की क्या रणनीति रही? शिवसेना आगे की रणनीति आपको नवम्बर के आखिरी हफ्ते में दिखाई देगी कि वसईकर के जनता के प्रश्न के ऊपर
शिवसेना अपनी जो स्टाइल है शिवसेना की पुरानी जो संघर्ष की स्टाइल है वो वसई तालुका में आपको नवंबर के लास्ट हफ्ते में आपको देखने को मिलेगी। आज तुम देख रहे हो वसई विरार, ये बिल्डर लॉबी हो चुकी है। तो मेन बात मैं इनको बोलूंगा, अभी इन लोग यहाँ 100 से 150 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। स्थानिक बोलते ना अकटन के लोहार लोग जो फेमस है, इनकी 2 साल पहले एबीपी माजा न्यूज ने भी दखल ली थी, उसका वीडियो पूरा महाराष्ट्र में वायरल हो चुका था। क्या वसई के लोहार अकटन आज भी यहाँ उपस्थित है और लोहार काम कर रहे हैं। और इनका मेन बात क्या है, क्या इनकी जो जगह है ये बिल्डर को देना है, तो इसके लिए इन्होंने नकार दिया है। और बिल्डर इनको साम दाम दंड भेद पूरा दबाव लेके इनको मतलब हमको जगह दो नहीं तो फिर रस्ते पे आ जाओ, ये इनका जो बोलते ना विरार वालों का पाठीबा इनके साथ में है, प्रसाद इरकर बिल्डर का नाम है, इस तरफ से इनको नोटिस दे के इनकी घरपट्टी ट्रांसफर की गई है। तो वो अनुसंगा ने हम लोग, मैं युवा सेना जिला प्रमुख पालघर हूँ, हमारे जिला प्रमुख पंकज देशमुख और मिलिंद खानोलकर शिवसेना नेते और शहर प्रमुख प्रथमेश राउत, इन्होंने इस ग्रामस्थ को पाठिंबा दिया है। क्योंकि ये तरखर ग्राम पंचायत का जो यहाँ मनमानी कारोबार चालू है, जो भ्रष्टाचार का कारोबार चालू है, जो मतलब किसी के दबाव में आके मतलब पैसे लेके जो इन्होंने काम किया है और इनकी घर पट्टी घुमाई गई है, इसके विरुद्ध हमने ये आंदोलन लिया है, धरने आंदोलन। इसके लिए यहाँ के ये ग्रामस्थ जो 100-150 साल से रह रहे, इनके हक का जो घर है वो घर हमको चाहिए, और हमारी घर पट्टी जो इतने साल से हमारे नाम पे है वो हमारे नाम पे ही रहनी चाहिए, इसके लिए हमने ये आंदोलन लिया हुआ है। और इसके लिए स्थानिक जो यहाँ के तरखर के ग्राम पंचायत के लोग है वो यहाँ पे मौजूद है और इनका पूरा पाठिंबा है। और इस धरने आंदोलन को, इस ग्रामस्थों को बड़े बड़े पक्षों ने भी पाठिंबा दिया हुआ है। क्योंकि बोलते ना वसई के जनता के साथ बहुत सा अन्याय हो रहा है, तो वो अन्याय तरखर ग्राम पंचायत के ग्रामस्थ के साथ भी हो रहा है। तो इनके वसई की जनता के साथ जो जो लोगों के साथ अन्याय होगा, शिवसेना हो गई, दूसरी कौन सी आप पार्टी है, जॉन परेरा ने अभी भाषण दिया, तो इन लोग इनके साथ में है, हमारे इनके साथ में अन्याय हो गया। बिल्डर सीधा इनको धमकी दे रहा है क्या भाई, हमारे को विकास करने के लिए जगह दो नहीं तो रस्ते पे आ जाओ, ये काम यहाँ पे चालू है। वो जो वसई विरार में जो विरार वाले भी यही काम कर रहे हैं, बोले हमारी जगह हमको दे दो, विकास काम करो, ये करके। इसके लिए हमने ये धरना आंदोलन लिया है और हमारा हक का घर हमें मिलना चाहिए और घर पट्टी हमारे नाम पे होनी चाहिए, हमारा ये आंदोलन कायम चालू रहेगा। नमस्कार, मैं सुनीता रॉबी लेमस, उप सरपंच तरखट ग्राम पंचायत। नाही आहे, हे सगळं चुकीचं आहे, कोर्टाचा आदेश आहे आमच्याकडे आणि कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही ते केलेलं आहे आणि त्यांनी ते प्रूफ करावा। आम्ही त्यांना 2-4 वेळा पत्रक पण केलेली आहेत की तुमच्याकडे काही कागदपत्र असतील तर आम्हाला सादर करा, आणि त्यांनी एक बी कागदपत्र आम्हाला सादर केलेलं नाही आहे सर, आणि आमच्यावर उलटे आरोप आहेत। असेल ना, मी कुठे सांगते, असेल 100 वर्ष असेल तेव्हा मी पण नव्हती 100 वर्षपूर्वी, कळलं का सर? पण कोर्टचा आदेश आम्ही नाही करू शकत ना, धुडकावू शकत। 94 त्यांचा तो आदेश आहे, 94 कोर्टाचा, त्याच्या याच्याने आम्ही ते ट्रान्सफर केलेले। आमच्या सरपंच मॅडम बाहेर फिरायला गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही इकडे आहे आणि ते सर्व सांगत आहेत की ते खोटं आहे। आमच्याकडे कागदपत्र आहेत सर, कागदपत्राप्रमाणे आम्ही कोणाचं घर फोडू नाही शकत, कोणाच्या घराची ट्रान्सफर आम्ही करू नाही शकत, शासनाचा नियम आहे सर, कळलं का? असं आहे, जे करते आहेत त्यांना कसं काय त्यांचं दाखवायचं आहे, शिंदे गट आहे, त्याच्यानंतर आपला उद्धव ठाकरेंचा गट आहे, आम आदमी आहे, सगळे आहेत, मी पण काँग्रेसची आहे सर। हे बरोबर, आणि आमच्याकडे कागद आहेत कोर्टाचे आहेत, त्याला आम्ही न्याय मान्यता दिली एवढंच। आम्ही त्याने हे पण सांगितलं आहे की तुम्ही जर कोर्टात गेले आहेत, तुमची केस चालू असेल, तर तुम्ही स्टे दिली असेल तर ती स्टेचे कागदपत्र आम्हाला द्या ना, ते पण देत नाही आहेत, वरवर फिरवत आहेत आम्हाला। ते शासनाचा नियम आहे, आम्ही काय घरपट्टी, आम्हाला घरपट्टी वाढवायचा नियम आमच्याकडे कुठे आहे? शासनाच करून दप्तर आलेलं आहे आम्हाला, दर 4 वर्षांनी घरपट्टी वाढवावी। अपने चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।